व्यूअर्स, ये रास्ते में हम पहुंचे तो कुछ भाई जो हमारे बलोच भाई मछलियां पकड़ रहे थे, तो देखते हैं कोई मछली आती है या नहीं आती, क्योंकि बरसाती नाले वहां से निकले हैं ना तो पानी आता है पीछे से ना, तो उसके साथ कोई मछलियां भी आती हैं साथ, वो काफ़ी दूर से पानी आ रहा है, तो अभी जाल बिछा रहे हैं देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के शहर पंजगूर में, जिसे खजूरों का शहर कहा जाता है। आज काफ़ी जालावारी के बाद जो है आज मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा सा शहर का विज़िट किया जाए और व्यूवर्स को भी दिखाया जाए। तो चलिए अभी एक पिकनिक पॉइंट है वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा आपको शहर का भी विज़िट करवाएँगे कि पंजगूर शहर असल में है कैसा। ये पंजगूर शहर का मेन बाज़ार है और जिसे कहते हैं चितकान। आप देख रहे हैं ये बराबर में खजूरों के दरख्त वगैरह हो गए, तो काफ़ी जो है हरा भरा शहर है, बारिश के बाद मज़ीद खिल उठा है। आप मौसम भी ऊपर देख सकते हैं कितने बादल आए हुए हैं। जी इस वक्त हम लोग जो है यूनिवर्सिटी रोड पर आ गए हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड से हम जब सीधा जाएंगे तो आगे हमें सीपेक रोड मिलेगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो ज़ोर शोर से चल रहे हैं। साथ में आज जो दीवार आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रही है ये एफसी कैंप है यहाँ पे, और लेफ़्ट साइड पे ये मार्केट बन रही है, और टर्मिनल बस टर्मिनल भी जो है वो इसी रोड पर ही है। तो ये रोड जो है वो सीपैक को कनेक्ट करता है पंजगूर सिटी के साथ, जिसकी काफ़ी अहमियत है यहाँ पर। इस वक्त हम लोग जो है सीपैक रोड पर पहुँच गए, आप देख सकते हैं अगर कैमरा मैन दिखाया तो रोड जो है तुरपत से जो है सीधा कोयटा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सारी जो मेन ट्रैफिक है यहाँ की वो यहाँ पे चलती है, और इस रोड से जो है वो शहर कनेक्ट है। तो ईरान तक ये जो रोड है ये ईरान तक जा रहा है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा रोड है ये, और साथ में जो है पहाड़ों के नज़ारे। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता कच्चा है क्योंकि काफ़ी हम लोग अंदर आ गए, और जो है आपको पता है कि अच्छी जगह जाने के लिए जो है वो इस तरह के रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं ये कैडेट कॉलेज पंजगूर है, और काफ़ी बड़ी जगह पर ये कैडेट कॉलेज बना हुआ है, और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल करते हैं आर्मी के ज़ेर साया। तो काफ़ी अच्छा माहौल है कैडेट कॉलेज का। ये सामने कैडेट कॉलेज का गेट है, ये यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ की, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। हम पहुँच गए इस वक्त अपने मंजिल मकसूद पर, जो कि मशहूर है पीर उमर के नाम से। पहले हम लोग जो है कब्र की ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद आपको जगह का विज़िट करवाएंगे। थोड़ा सा बारिश की वजह से जो है ना कीचड़ बन गया, हवा वाली जगह बहुत ज़बरदस्त है, तो यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। एट लास्ट द हेवन इज़ देयर, दिस प्लेस इज़ नोन एज पीर उमर। बलूचिस्तान के शहर पंजगूर में वाकया वलीउल्लाह का मज़ार है यहाँ पे, और उसके साथ क्या ही खूबसूरत मकाम है। चारों तरफ इस कब्र मुबारक के चारों तरफ ये सरसब्ज किस्म के ये दरख्त हैं, और यहाँ पे एक चश्मा भी जारी हुआ है। यहाँ पे इस जगह की जो खूबसूरती है ना, वो इस जगह का सुकून है। और आपको पता है कि इंसान जो है वो हर वक्त सुकून की तलाश में रहता है। आप जब यहाँ पर आएँगे तो तभी आप इस जगह की खूबसूरती को फील कर सकेंगे। और आखिरकार हम लोग काफ़ी लंबी मुसाफत के बाद यहाँ पहुँच गए, और ये मेरे तमाम कुलीग्स हैं साथ में। ये तौसीफ़ साहब हैं, ये नजीब साहब हैं, ये जो है हमारे नईम साहब हैं, और पीछे जो है फुरकान साहब हैं। ठीक है, तो पीछे वो हमारी गाड़ी वो पीछे खड़ी हुई है। पीछे के आप मनाजर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम दुबई में आ गए। पानी पीछे खड़ा हो गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस वक्त हम लोग मज़ार के बाहर खड़े हैं, तो आपको मज़ार का अंदर से भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चप्पलें उतारेंगे और सलाम करते हुए अंदर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये मज़ार का अहाता है, झंडा लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं, तो कब्र के अंदर के भी मनाजर आपको दिखाते चलें। माशाल्लाह, तो एक छोटा सा कमरा है ये,
तो फातह खानी करते हैं थोड़ी सी। नहीं, दुआ कर मिल रहा हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त मनाजिर हैं यहाँ पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बेहतरीन। चलें आपको यहाँ पे थोड़ा सा आसार कदीमा के मनाजिर भी दिखाते हैं। ये देखें, ये पुराने यहाँ पे मकान बने हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी साल पुराने यहाँ पे ये मकानात थे, किसी ज़माने में यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे आबादी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी जहाँ पे ये मज़ार है हमारे वलीउल्लाह का, उसके सराउंडिंग में देखें किस कदर यहाँ पे दरख्त उगे हुए हैं, और यहाँ पे एक चश्मा भी जारी हुआ हुआ है जो कि हर वक्त वहाँ पर पानी बहता रहता है। तो आपको चश्मा भी दिखाऊँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कि किसी दौर में यहाँ भी लोग आबाद होते थे, मकानों की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। देख सकते हैं मेरे पीछे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मनाजर है, और मेरे साथ जो दोस्त हैं ये पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं, तो इनके भी तासुरात लेते हैं यहाँ पर कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी पंजगुर जैसे शहर में बाहर नहीं निकले थे। तो चलिए इनसे भी पूछते हैं कि भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई जान, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ज़बरदस्त, और पंजगुर जैसे इलाके में इस तरह का माहौल, VIP, बड़ा पिकनिक माहौल है इधर। आज तो बारिश आई हुई है, वरना इधर इतनी गैदरिंग होती है जितनी के बलोचिस्तान के बाजारों में भी नहीं होती। नजीर साहब, आप बताएं भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आप तो पहले आए हुए मेरे ख्याल से यहाँ पे। मैं आया हूँ दूसरी दफा, मेरी इधर आया हूं। तो आप तो मेरे ख्याल से बलोचिस्तान से ही ताल्लुक है, तो कौन सा शहर? ताल्लुक है अवारान से, लेकिन ऐसे मतलब मंजर बलोचिस्तान में आपको कम मिलते हैं। जो यहाँ पे मतलब माहौल है बेहतरीन, पानी है, मतलब दिल खुश हो जाता है, बहुत बहुत मजा। चले, ये हमारे पठान भाई है नई मुल्ला साहब। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? जबरदस्त। तो आप बताएं अपने तासुरात का। मेरे तासुरात उस जगह के बारे में है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस जगह पे आया, इस जगह का विजिट किया है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बलोचिस्तान में मिलना मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है। तो दोबारा आने का इरादा है आपका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त जगह है, बड़ी खूबसूरत। आप देखिए खजूर के दरख्त, खजूर वगैरह सारा कुछ खूबसूरत सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पे हमारे जो पुलिस के तासुरात, और ये जगह बेस्ट है रमज़ान के हवाले से भी। आप यहाँ पे अफ्तारी कर सकते हैं बैठ के, बड़ा ही पुरमन सा माहौल है। मेरे पीछे आप झील देख सकते हैं, यहाँ पे पानी का चश्मा है, लेकिन सफाई ना होने की वजह से थोड़ा सा गदला हुआ हुआ है। अगर यहाँ पर प्रॉपर सफाई की जाए और हुकूमत इस जगह पर थोड़ा सा नज़रसानी करे, तो ये इस जगह को चार चांद लग सकते हैं। वैसे ही बड़ी अकीदतमंदों के हिसाब से भी बड़ी मुकद्दस जगह है ये। यहाँ पे वलीउल्लाह का मज़ार भी है, तो बाकी भी जो कब्रें हैं वलीउल्लाह की, इंशाल्लाह वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। अगर और भी कोई जो है हमें नज़र आता है इस तरह का कोई पिकनिक पॉइंट, तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो हर तरफ जो है ना, एक इसी खित्ते में जो है ना, आपको सिर्फ खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, बाकी आपको कहीं पर भी खजूरें नहीं नज़र आएंगी। क्यों? उसकी मेन वजह ये है कि पानी नहीं है। जहाँ पर पानी होता है वहीं पर ही हरियाली होती है, वहीं पर ही जो है वो परिंदे वगैरह आते हैं। तो दरख्त लगे हुए देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस जगह पे पानी है, कुदरती तौर पे यहाँ पे चश्मा है, जिसकी वजह से दरख्त आबाद हैं। यहाँ पे खजूरें भी लगती हैं सीज़न में, और बारिश के बाद तो इस जगह का हुसन दुबाला हो जाता है। व्यूवर्स, जाने का वक्त आ गया माशाल्लाह, हमने काफ़ी इंजॉय किया रोज़े में, रोज़ा हमारा दुबाला हो गया। तो हमारी टीम तैयार है वापस जाने के लिए, गाड़ी भी हमारी रेडी है। तो जाने का वैसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, शहबाज़ शरीफ वाली बात है, मजबूरी है। ठीक है, इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़।